अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? कैसी तबीयतें हैं और कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। मेरी आवाज़ और स्क्रीन सब लोगों को क्लियर है? मसला तो नहीं है किसी को? चल ठीक है। अच्छा जी, आज जो है हमने कुछ और चीज़ें वर्डप्रेस के बारे में पढ़नी है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और अभी हमारे काफ़ी चीज़ें हैं जो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पढ़ने वाली रहती हैं, तो हम इसके डैशबोर्ड में चलते हैं। कल भी हमने पोस्ट, पेजेस और कमेंट्स और अपीयरेंस के कुछ सेक्शंस जो थे वो डिस्कस किए थे। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन होते हैं। हमने पढ़ा था कि ये थीम टू थीम डिपेंड करता है कि कस्टमाइज वाला सेक्शन कितना बड़ा होगा उस थीम का, उस थीम का विजिट्स वाला सेक्शन जो है उसमें कितने विजिट्स होंगे, उसके कितने विजिट एरियाज होंगे जहाँ पे हम उन विजिट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। उसमें मेन्यूज वाला जो सेक्शन है आप लोग खुद से क्रिएट करते हैं, लेकिन मेन्यू की जो पोजीशन वगैरह है वो हर थीम की अपनी जो है वो डिफाइंड होती है। किसी थीम में मेन्यू ऊपर होता है, किसी थीम में मेन्यू जो है वो नीचे होता है। ठीक है सर, क्वेश्चंस के आंसर दे दें पहले। हाँ जी हाँ जी, पूछें आप क्वेश्चंस पूछें। ये आपका हेडर आ जाता है जिसको आप कस्टमाइज में से भी जाके जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कस्टमाइज ही खुल गया हमारा। ठीक है, तो अब हेडर वाले सेक्शन में वो आपको ले जाएगा। सवाल पूछें जी। सरिश क्या क्वेश्चन है? नहीं जी, ये हेडर वाले सेक्शन में आ गए, तो हेडर में आपने वीडियो लगानी है तो यहाँ पे उसका यूआरएल लगा दें। तो पिक्चर शिक्चर लगानी है तो आप यहाँ से इसको खत्म कर दें यूआरएल। इस यूआरएल को जैसे ही खत्म करेंगे तो ये पिक्चर जो है वो बैकएंड पे नजर आ जाएगी। ठीक है जी, वापस चलते हैं। फिर उसके बाद ये थीम एडिटर उस दिन देख लिया था, इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना अभी फिलहाल, क्योंकि कोर फाइल्स जो हैं वो इसके अंदर लाई कर रही होती हैं। अगर कोर फाइल्स को छेड़ने की जरूरत पड़ती है तो हम सी पैनल में से छेड़ेंगे, यहाँ से किसी को जो है वो फाइल को हम नहीं हिलाएंगे, ना ही इसके किसी कोड को एडिट करेंगे। सर, अगर कोई थीम कस्टमर इंस्टॉल करने के लिए कहता है तो वो भी सेम इसी तरह इंस्टॉल करेंगे? और सर, जो गिग में हम थीम इंस्टॉल का कहते हैं वो हम अपनी मर्जी से करेंगे? नहीं बेटा, आपको थीम जो है वो बताएगा जो क्लाइंट है, या तो वो बताएगा आपको कि थीम कौन सा इंस्टॉल करना है, साथ वो आपको थीम की इंस्टॉलेशन की थीम की फाइल भी देगा। तो अगर उसको इस बारे में नहीं पता कि उसकी जो है वो वेबसाइट के ऊपर कौन सा थीम इंस्टॉल होना चाहिए, तो आप उसको सजेशंस दे सकते हो। जैसे आप उसे ये पूछोगे, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो आप, तो आप उसको बताओ कि यार ई कॉमर्स के लिए फला थीम जो है वो बहुत अच्छा थीम है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर WP ओशन के नाम से एक थीम है, अच्छा उसके कुछ डेमोज हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद फ्लैटसम का जो थीम है वो प्रीमियम है, ठीक है, वो अगर आप उसको एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो मैं आपको दे दूंगा। आप उसको एज अ गिफ्ट दे सकते हैं कि जी $59 का ये जो थीम है, क्लाइंट एक तो खुश भी हो जाएगा और उसकी वेबसाइट की लुक जो है वो भी उसको अच्छी लगेगी। ये $59 का थीम है, ये आप लोगों को मैं दे दूंगा जैसे ही हम ई कॉमर्स वाले सेक्शन के ऊपर पहुंचेंगे। तो WP ओशन एक फ्री थीम है, इसके अंदर बने बनाए कुछ डेमोज मिल जाते हैं हमें,
हमने सिर्फ उस थीम को इंस्टॉल करके डेमो इंस्टॉल कर रहा होता है, वो भी आज अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं आज पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर कल वाला दिन जो है वो तो हमारे पास है ही, तो कल को हम इंशाल्लाह ओशन WP को देख लेंगे। अच्छा, इसके कुछ डेमोज हैं जो हमें मिल जाएंगे, ये तो कुछ प्रो डेमोज हैं, इसके अंदर कुछ फ्री डेमोज भी आप लोगों को मिल जाएंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे अगर मैं ई कॉमर्स की बात करता हूँ तो ये ई कॉमर्स के डेमोज हैं आप लोगों के पास, इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वो सारे के सारे डेमोज हमें मिल जाएंगे। ये वन पेजर वेबसाइट है, अगर वन पेजर का कोई नहीं है, चलो कोई नहीं है, ब्लॉग वेबसाइट अगर बनानी है तो उसके ये थीम्स हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी ज़रूरत जो फ्री वाले थीम्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, इसके कुछ डेमोज हम उनको इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप लोग खुद से उसको सजेशन दे सकते हो कि भाई साहब आपकी ये फलां वेबसाइट है, इसके ऊपर हम फलां थीम इंस्टॉल कर लें, तो उसकी लुक जो है वो कुछ ऐसी लग हो जाएगी। आपको हर एक थीम का प्रीव्यू मिल जाएगा, जैसे अगर फ्लैटसम की बात करते हो ना, ये मैंने फ्लैटसम वाली वेबसाइट खोली थी, तो इसका प्रीव्यू आपको यहाँ से कहीं से मिल जाएगा, ये लाइव प्रीव्यू है, तो इस लाइव प्रीव्यू का लिंक आप उसको भेज सकते हो और उसे बता सकते हो कि जी आपकी वेबसाइट के ऊपर जब मैं फलां थीम इंस्टॉल कर दूंगा, उसका डेमो जो है वो इंपोर्ट करूंगा, तो आपकी वेबसाइट जो है वो कुछ ऐसी लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस किस्म का एक आप उसको जो है ये वाला लिंक जो मैंने अभी खोला है, इसका लिंक आप लोग उसको भेज सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, उनकी प्राइसेस हैं, ठीक है, स्लाइडर्स लगे हुए हैं कैटेगरीज के, प्रोडक्ट्स के, उनको स्क्रॉल करके लोग जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर जा सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं यहाँ से। सर, फीडबैक में अगर नंबर भी लेना हो तो फिर कैसे लेंगे? शाहजेब, अभी मैंने आपको जो फॉर्म की कस्टमाइजेशन है वो नहीं सिखाई, हम इंशाल्लाह जैसे ही एलिमेंटर पे मूव ऑन करते हैं तो फिर मैं आपको अपनी मर्जी से, आप ऐसा फॉर्म बनाओ जिसमें आप अपनी मर्जी से फील्ड्स रख सको, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ हम जो है वो अपने यूजर से ले सकते हैं, तो उसको भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। अच्छा जी, पिक्चर पे इंजीनियर अली गौहर साहब का सवाल है, वो कह रहे हैं कि पिक्चर पे टेक्स्ट किस तरह अपलोड करते हैं और बटन के स्पेलिंग आपके ठीक नहीं है, ये मुझे बातों लग रहा है, और बटन किस तरह लगाएंगे जहां से नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट किया जाएगा, ये भी अगले मराहल में आएगा, अभी वेट करें उन लेक्चर्स का, ठीक है। बाकी वो जो पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लगाने की वाली बात है वो आपने कैनवा से करना है। फीडबैक कॉलम जो फुटर में ऐड करते हैं उसका आप प्लगइन नेम बता दें। फीडबैक कॉलम का मतलब मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो, इंजीनियर अली गौहर साहब आप इसकी बात कर रहे हैं कि इस तरह का जो टेक्स्ट है वो कैसे लगेगा, ठीक है, या फिर आपकी ये पिक्चर है तो इसके ऊपर ये टेक्स्ट है तो ये कैसे लगेगा? ये थीम के अंदर होता है और थीम एडिटर्स जो हैं वो यूज होते हैं, ये भी पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, आप इसकी बात कर रहे हो, तो ये है। इस तरह के जो है ये थीम एडिटर्स हमारे पास मौजूद है, हर एक जो प्रीमियम थीम होता है उसका अपना भी एडिटर भी हो सकता है और एलिमेंटर के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी वेट करें, अभी आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड का पता नहीं है, और अगर मैं आपको इन चीजों की तरफ ले गया तो फिर आपकी बेसिक चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसलिए जो है वो आप लोगों को इन चीजों की तरफ अभी नहीं लेके जा रहा, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। अब ये जीशान असगर साहब का पता नहीं क्या सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं सर मैं वेब पे थीम के ऊपर जली जली सी, अब ये क्या, मैं क्या पढ़ूं इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट कहाँ से करना है, वो भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। लेफ्ट साइड जो कॉलम शो होता है वो कैसे खत्म होगा और हम पेज कैसे सेट होगा, मेन वेबसाइट ओपन होने पर वही ओपन होगा। चलें जी, आज आपके ये सारे के सारे
मसले जो है वो सॉल्व करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अभी ये डैशबोर्ड कंप्लीट करूँ और फिर आप लोगों को हम जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट किसी कोई वेबसाइट पकड़ लेंगे और उसके जैसी वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, प्लगइन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि प्लगइन्स क्या होते हैं, और प्लगइन्स के अंदर हमने ये देखा था कि कैसे हम प्लगइन्स जो हैं वो ऐड ऑन करके मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटीज ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का हमने प्लगइन जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड किया था। इसी तरह के बहुत सारे और प्लगइन्स हैं जिनकी मदद से मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटीज जो हैं हम अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं। तो इसको आई थिंक कि अब और ज़्यादा जो है वो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको जैसे जैसे हमारे प्लगइन्स और आते जाएंगे, हम उन प्लगइन्स को और ज़्यादा इंस्टॉल करते जाएंगे। यूज़र्स की तरफ आते हैं ज़रा। यूज़र्स क्या होते हैं? जो आपकी वेबसाइट को यूज़ करते हैं। अब यूज़ करने वाला हर एक बंदा होता है। जो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है वो भी आपकी वेबसाइट का यूज़र है। जो आपकी वेबसाइट के ऊपर नया कंटेंट डालता है वो भी आपकी वेबसाइट का यूज़र है। और जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो उन मैनेजर्स को मैनेज करता है या फिर मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन्स इंस्टॉल करके कस्टमाइजेशन करता है एंड सो ऑन, वो भी आपकी वेबसाइट का यूजर है। तो हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रोल्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के रोल्स की मुख्तलिफ किस्म की अथॉरिटीज होती हैं। हर एक रोल है, जैसे एक एक बंदा है उसको मैंने अथॉरिटी दे दी कि वो बंदा जो है वो ऑथर है हमारी वेबसाइट का। तो ऑथर नाम से जाहिर है कि क्या कर सकता है कि कंटेंट लिख सकता है वेबसाइट के ऊपर और सारे का सारा काम कर सकता है। अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ। यूआरएल से कैसे प्लगइन इंस्टॉल करोगे भाई? यूआरएल से प्लगइन इंस्टॉल नहीं होता। प्लगइन्स के अंदर जाके ऐड न्यू का बटन दबाना पड़ता है। हाँ जी, मैं करवा दूंगा जी। ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं अगर आप लोगों को स्लाइड्स पे लेके जाऊं ना, तो असल में हम लोग जो है वो सारे का सारा काम प्रैक्टिकली किया है, स्लाइड्स को देखा ही नहीं। वर्डप्रेस की जो स्लाइड्स हैं उसको थोड़ा सा अगर यूजर्स वाला सेक्शन हम वहां से देखें, वो इसलिए ताकि वन बाय वन हम उसकी डेफिनेशन कर सकें। ये वर्डप्रेस है कि किस रोल की क्या अथॉरिटी। जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सारे का सारा जो है आपका पूरी की पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकता है। कि मतलब वो प्लगइन्स पुराने जो हैं उनको उड़ा सकता है, नए प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकता है, कस्टमाइजेशन कर सकता है, लेआउट्स बना सकता है। हर इसी तरह हर एक चीज की डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज है। सर, मैंने होस्टिंग वालों से रब्ता किया है, वो 6500-7000 पर ईयर मांगते हैं। कोई ऐसी वेबसाइट है जो लो कॉस्ट में डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करें? गौहर साहब, मैंने आपको जो बताया है ना, ये 6500 और 7000 वो बता रहा होगा उसका अपना, अल्लाह थोड़ा भला करे, जो बिजनेस वेबसाइट्स, मतलब अगर आपने 5-6 वेबसाइट्स बनानी है तो फिर उसके लिए वो पैकेज होगा। ठीक है, जो आपने अगर सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअली एक वेबसाइट बनानी है ना, तो उसके लिए ये प्राइस है आई थिंक सो, फॉर फ्रीलांसर्स वाला पैकेज। ये 250 पर मंथ का है। अब 250 रुपये एक महीने बाद, यार मतलब ये इतना कोई ज्यादा कॉस्ट तो नहीं? इससे ज्यादा और सस्ता कहाँ से मिलेगा आपको? आई डोंट नो कि कहाँ से मुझे इससे ज्यादा सस्ता तो है भी नहीं कोई। फिर फ्री वाले बच जाते हैं, फ्री वाले अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर रहे हैं, मुझे कोई उसमें एतराज नहीं है। आप जो है उसका छोटा वाला पैकेज खरीद लो, जरूरी नहीं है आपने इसकी तरफ ही जाना है, आप इसका ये पैकेज खरीद लो अगर आप इसको बड़े पैकेज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है। और मैं इसको इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि ये कम पैसों में एक तो अच्छी स्पीड देता है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान नहीं है और ऊपर से फैसलाबाद ही है। कोई हैंकी पैंकी करता है तो बंदा उसको जाके पकड़ तो लेता है, बाद में जो दूसरे लोग हैं उनको जाके फिर वो करना पड़ता है, वो आपको उनकी सपोर्ट से बात करनी पड़ती है, नेम चीफ है या गो डैडी है, फिर उसके बाद कार्ड अटैच करना पड़ता है आपको अपना। अगर कार्ड के ऊपर ऑनलाइन आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो अलाउड नहीं है, तो फिर भी आप जो है वो ये नेम चीफ और गो डैडी से
जो है वो बाय नहीं कर सकते। 417 वाला भी 6500 के करीब बन जाता है। और यार थोड़ा सा ना इंजीनियर साहब, आपने इंजीनियरिंग अगर मैथ में कर ली होती ना तो वो ज्यादा बेटर होता। 417, अब लेक्चर हो रहा है, लेक्चर के अंदर तुम लोग कौन सी चीजें लेके बैठ गए हो? अब 5000 रुपये बनते हैं, 6500 नहीं बनता, ना ही 7000 बनता है। सर अगर फ्रीलांसर वाला पैकेज ले लें, उसमें हम अपनी कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं मेन सारी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी। हाँ जी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर अब बाद में आपको जरूरत पड़े तो आप उसको उस पैकेज को इंक्रीज भी करवा सकते हो, ठीक है? बाद में उसे बोलो कि एक्सटेंड कर दो, जो बाकी पैसे होंगे वो उसको दे दीजिएगा। नहीं, ये अरमुश, ये एडमिनिस्ट्रेटर की बात नहीं हो रही, ये हो रहा है एड ऑन डोमेन्स की बात, ठीक है? या फिर ईमेल अकाउंट्स की बात। ये जो यूजर्स हैं, आप एक वेबसाइट के अंदर जितने मर्जी यूजर्स चाहो ऐड कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। ये मसला है वेबसाइट्स का कि आप एक होस्टिंग के अंदर कितनी वेबसाइट्स बना सकते हो। चलें जी आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि यूजर्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और जो यूजर्स हैं उनके क्या क्या रोल्स हैं, और उन यूजर्स के पास क्या क्या अथॉरिटीज होती हैं। ये जी यूजर मैनेजमेंट एंड रोल्स। हाँ जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो सारी क्लास को कोई 10वीं 15वीं मंजिल पे लेके जाता हूँ, ये फिर खींचते हैं और पकड़ के फिर ग्राउंड फ्लोर पे ले आते हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो चीजें बताना चाह रहा हूँ, ये वो एक छोटी सी स्लाइड है, बस इसके लिए मैंने जो है वो खोला है कि आपको ये बता सकूं कि वर्डप्रेस में जो बिल्ट इन रोल्स हैं वो कितने हैं, और वर्डप्रेस किन किन रोल्स को एड अप करने की जो है वो परमिशन देता है, और हम उनको क्या क्या अथॉरिटीज दे सकते हैं। अच्छा, रोल्स और यूजर्स एक ही बात है, और जो है वो आप यूजर्स इसलिए बनाते हो अपनी वेबसाइट के अंदर कि आपने जब कल कलां को टीम के अंदर काम करना है, टीम्स के अंदर काम करने की जाहिर बात है जरूरत पड़ेगी। एक अकेला डेवलपर तो कुछ नहीं कर सकता, एक वेबसाइट बना सकता है, लेकिन उस वेबसाइट को मार्केट करने के लिए, उसकी अच्छी सी पिक्चर्स डिजाइन करने के लिए आपको डिजाइनर्स की और सोशल मीडिया मार्केटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या करना है कि आपने उस वेबसाइट के अंदर जो लोग रखने हैं, चाहे वो आप उनको हायर करें, पैसे दे के हायर करें, या फिर आप उनको जो है वो टीम के अंदर इंक्लूड करें, शेयर पे रखें, ठीक है? तो आपने जो है बस भाई, और कोई डिस्कशन नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ अब बात लेक्चर की होगी। मैं ये इस तरह की बातें चलेंगी तो फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेना भी बंद कर दूंगा, मैं फिर लेक्चर दूंगा अपना और चला जाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, तो मैं ये बात कर रहा था कि जब आपने टीम बनानी होती है, मैं अगर आप लोगों को, हम सेफ स्काई की बात करते हैं, सेफ स्काई /WP-admin, क्या हुआ?
अच्छा, इसके मैं यूजर्स के अंदर जाता हूं, तो अभी फिलहाल 33 लोग हैं जो इस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 33 लोगों की टीम है, या वैसे ज्यादा लोग जो है वो कराची से हैं, लेकिन 33 लोगों की टीम है जो इस वेबसाइट के ऊपर काम कर रही है, और उनको मुख्तलिफ किस्म के रोल्स असाइंड है। जैसे ये इसका रोल क्या है, ये ऑथर है, ये सब्सक्राइबर है, ये फिर ऑथर है। अच्छा, ये अली अकबर जो है वो एक एडिटर है, अमेंडा जो है वो इसकी ऑथर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मतलब ये है कि हम ना जो है वो सब्सक्राइबर हो गई है। तो इस तरह की ये जो चीजें हैं, पाशा साहब जो हमारे वो कराची टीम के मैनेजर हैं, तो ये मतलब ये है कि उनको मुख्तलिफ किस्म के रोल्स असाइन करने का मतलब ये होगा कि उनको डैशबोर्ड के अंदर सिर्फ वही ऑप्शंस देन नजर आएंगे जो हमने उनको अथॉरिटी दी होगी, और वो सिर्फ उसी दायरा कार के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की, तो एडमिनिस्ट्रेटर जाहिर ही बात है, नाम से जाहिर है, उसने सारी चीजों को कंट्रोल करना है, और उसके पास सारी की सारी वेबसाइट के सारी की सारे जो अथॉरिटी है वो मौजूद है। समबडी हु हैज एक्सेस टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन फीचर्स, और समबडी हु कैन पब्लिश एंड मैनेज पोस्ट एंड पेजेस एज वेल एज मैनेज अदर यूजर्स और पोस्ट। अब ये एडिटर का काम क्या है, एक बंदा जिसकी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर से नीचे है, एडिटर है, और उस बंदे की अथॉरिटी क्या है कि वो क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है और मैनेज कर सकता है अपनी पोस्टों को भी और दूसरों की पोस्ट को भी। मतलब एक बंदा है, उसको मैंने एज अ कंट्रीब्यूटर अपनी जो है वो वेबसाइट के ऊपर रखा। मैंने उसे, वो कोई ऐसा बंदा था जो अभी नया था राइटिंग के अंदर, तो मैंने उसे कहा कि जी राइटिंग करनी स्टार्ट करो अपनी, मेरी वेबसाइट के ऊपर आके कंटेंट राइट किया करो। तो उसकी अथॉरिटी क्या है कि समबडी हु कैन राइट एंड मैनेज देयर पोस्ट बट नॉट पब्लिश देम। वो कहता है कि एक ऐसा बंदा है जो उस वेबसाइट के ऊपर आके जो पोस्ट है उसको लिख सकता है, लेकिन वो उस पोस्ट को खुद से पब्लिश नहीं कर सकता। हाँ, उसके पास जो है ये ऑप्शन है कि जैसे ही वो पोस्ट के जो है वो पोस्ट करेगा, तो एडमिन के पास और इस एडिटर के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि फलां कंट्रीब्यूटर ने एक पोस्ट की है, आप उसको एक दफा पढ़ लें, अगर तो वो आपको लगता है कि ये पोस्ट हमारी ऑडियंस को दिखाने के लायक है तो आप उसको अप्रूव करें, वरना उसको अप्रूव ना करें। जैसे आप लोग फेसबुक के ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हैं, तो आपकी जो पोस्ट है वो पेंडिंग अप्रूवल के अंदर चली जाती है, तो जैसे ही उसको कोई एडमिन या मॉडरेटर जो है वो देखता है तो वो उसको अप्रूव या डी अप्रूव कर देता है। तो इसी तरह आपकी, आपके वर्डप्रेस के अंदर भी आप लोग जो हैं अपने यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, और उनको फला अथॉरिटीज जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो ऑथर एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर मुझे ट्रस्ट है जी। ट्रस्ट क्या है जी, समबडी हु कैन पब्लिश एंड मैनेज देयर ओन पोस्ट, कि वो सिर्फ अपनी पोस्टों को जो है वो सिर्फ लिख सकता है और पब्लिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन कंट्रीब्यूटर सिर्फ अपनी पोस्ट लिख सकता है लेकिन उस पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता, वो पेंडिंग अप्रूवल पे चली जाएगी, और उस पोस्ट को कौन पब्लिश कर सकता है या अप्रूव कर सकता है, वो करेगा या तो एडिटर करेगा या फिर एडमिन करेगा। तो इन दोनों के पास ये एक्सेस होगी कि वो कंट्रीब्यूटर की पोस्ट को अप्रूव कर सके या डी अप्रूव कर सके। और सब्सक्राइबर एक विजिटर होता है जो सिर्फ आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है, और समबडी हु कैन ओनली मैनेज देयर प्रोफाइल, उसके ऊपर अकाउंट बना सकता है हमारी वेबसाइट के ऊपर आके, और उसको लॉग इन कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है, और मुख्तलिफ किस्म के अगर फीचर्स हैं हमारी वेबसाइट के अंदर तो वो उनको अवेल कर सकता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं बंद करता हूँ, और ये जो SEO ग्रोथ डॉट टूल्स है मैं इसके अंदर यूजर्स के अंदर जाके ऐड न्यू करता हूँ। एक नया यूजर जो है वो ऐड करते हैं, और उसको कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी जो है वो असाइन करते हैं, तो उसका यूजर नेम लिखते हैं। मैं दूसरी ही ईमेल पे, अपनी दूसरी ईमेल पे इसका यूजर बना लेता हूँ, 745@gmail.com। इसका यूजर नेम मैंने रख लिया जी सुफियान, ठीक है। फर्स्ट नेम लिखा मोहम्मद सुफियान, तो मोहम्मद सुफियान आ गया। वेबसाइट कोई भी पकड़ा दी मैंने इसको, पासवर्ड जो है वो अपनी मर्जी से रख दिया। अब वो पासवर्ड क्या होगा
इस पासवर्ड को यूज करके ये जो बंदा है मोहम्मद सुफियान, ये इस वेबसाइट को लॉगिन कर लिया करेगा। ठीक है, यहां से मैंने इसको रोल असाइन करना है। इसको मैं रोल असाइन कर रहा हूं, लेट सपोज ऑथर का। ठीक है, उसका यूजर नेम है ये, जिस यूजर नेम से ये लॉगिन किया करेगा, उसका ईमेल ये है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये है। कोई वेबसाइट दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस बंदे की कोई वेबसाइट नहीं है तो आप इस फील्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये पासवर्ड है, इस पासवर्ड को यूज करके वो हमारी वेबसाइट को लॉगिन किया करेगा, और ये यूजर नेम और पासवर्ड इस ईमेल के ऊपर जो है वो उसके इनबॉक्स में एक ईमेल भी चली जाएगी कि SEOGrowth.tools वाले बंदे ने आपको जो है वो अपनी वेबसाइट की एक्सेस दी है एज एन ऑथर। ठीक है, तो वो उस यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके जो है वो अपना वो सारे का सारा काम कर सकता है। तो ऑथर की एक्सेस देके मैं इसको एड न्यू यूजर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये एड न्यू यूजर हो गया। ठीक है सुफियान साहब, अब जो है वो यूजर हैं इसके। अब मैं एज सुफियान लॉग इन करता हूँ इसको। मैं कोग्निटो मोड खोला यहाँ पे, SEOGrowth.tools/wp-admin, इसको मैंने लॉग इन किया। अब वो बंदा जो मैंने आगे रखा था एज एन ऑथर, वो क्या करेगा, वो ऐसे जाएगा SEOGrowth.tools/wp-admin पे, यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखेगा। सुफियान यूजर नेम था उसका और ये उसका पासवर्ड था। ठीक है, ये यूजर नेम और पासवर्ड लिख के जब लॉग इन करेगा तो उसके पास एक डैशबोर्ड सेम उस तरह का खुल जाएगा। लेकिन अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पे उसकी जो अथॉरिटीज हैं वो कितनी कम है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है। यहाँ पे पोस्ट और मीडिया तो है लेकिन पेजेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि पेजेस क्या करेंगे कि पेजेस सिर्फ ये लोग, ये जो एडमिन लोग हैं या एडिटर लोग हैं, इन ये मैनेज कर सकते हैं। कमेंट्स है, कॉन्टेक्ट है, प्रोफाइल है अपनी और टूल्स है। इसका मतलब सेटिंग्स भी नहीं है, प्लगइन्स भी कोई नहीं ऐड कर सकता, अपीयरेंस के ऊपर भी कोई काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा सिर्फ ये इन चीजों को मतलब अपनी पोस्ट कर सकता है और अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकता है। अब ये पुरानी जो पोस्टें ऑलरेडी की जा चुकी हैं उनको भी सिर्फ ये व्यू कर सकता है, उनको जाके ये एडिट नहीं कर सकता, देखें। ठीक है, और फिर एड न्यू करेंगे तो अपनी पोस्ट जो है वो ये कर सकता है। ठीक है, और उसको ये पब्लिश भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बिलीफ था। अच्छा, अब मैं इसी को एडिट करता हूँ जरा। अभी ये अक्सर ने सवाल पूछा है कि सर सब्सक्राइबर क्या क्या काम है, अगर एक्सप्लेन कर दें। मैंने आपको बताया सब्सक्राइबर का काम सिर्फ यही है कि वो अपनी प्रोफाइल बना सकता है यहाँ पे और उसको देख सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। असल में होता है ये सब्सक्राइबर का रोल इसलिए रखा गया है कि यूजर्स में अगर कोई बंदा था जो हमारे पास हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहा था, उसको हमने ऑथर की या एडिटर की जो है वो एक्सेस दी थी, अब वो मेरे साथ उसने काम करना छोड़ दिया है, तो अब मैं चाहता हूं कि उसको इसकी एक्सेस भी ना हो, तो मैं उसका जाके यहाँ से ऑथर है इसको मैं एडिट करता हूँ और इसका रोल जो है वो ऑथर की बजाय अब मैं सब्सक्राइबर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो आइंदा से मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी कंटेंट जो है वो पेस्ट ना कर सके। ये मैंने रोल इसका ऑथर से चेंज करके सब्सक्राइबर कर दिया। ठीक है, सब्सक्राइबर किया और इसको मैंने यहाँ से अपडेट यूजर कर दिया। अब जैसे ही वो यूजर अपडेट होगा ना, तो उसके पास ये जो अथॉरिटीज थी, अब वापस आके उसके डैशबोर्ड में आते हैं जब, तो ये जो अथॉरिटीज थी पोस्ट करने की, मीडिया और ये सारा कुछ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब उसके पास वो कह रहा है सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब दोबारा से मैं WP एडमिन में जा रहा हूँ, तो अब उसके पास सिर्फ इतनी सी अथॉरिटी है कि वो अपनी प्रोफाइल देख सकता है। ठीक है, अपनी प्रोफाइल को जाके मैनेज कर सकता है, अपना नाम चेंज कर ले। ठीक है, अपना पब्लिक नेम चेंज कर ले, अपनी वेबसाइट चेंज कर ले, अपना पिक्चर लगा ले। इसके अलावा और कोई अथॉरिटी उसके पास मौजूद नहीं है। ये एज अ सब्सक्राइबर उसका व्यू है डैशबोर्ड का। ठीक है, इसके अलावा वो अपनी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकता है। ठीक है, और उसकी जो जो भी फंक्शनैलिटीज एज अ विजिटर हम अवेल करते हैं वो भी अवेल कर सकते। यहां तक किसी को कोई मसला है यूजर्स बनाने के अंदर या फिर यूजर्स की अथॉरिटीज में? मैं यूजर की अथॉरिटी वाला जो सेक्शन है वो दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या करना है कि सारी की सारी अथॉरिटी है उसके पास कि वो जब चाहे जैसे चाहे चीजों को मैनेज करे, प्लगइन इंस्टॉल करे, नए यूजर्स ऐड करे, पुराने यूजर्स को डिलीट कर दे। एडिटर के पास क्या अथॉरिटी है कि एडिटर जो है वो एडिट कर सकता है चीजों को, नई चीजें। अब एडमिनिस्ट्रेटर ने एडिटर्स इसलिए रखे होते हैं कि कभी कभार वो कुछ और चीजों को देख रहा होता है
और एडिटर्स जो हैं वो ये नीचे वाले जो लोग हैं इनकी पोस्ट को चेक कर रहे होते हैं कि क्या कंट्रीब्यूटर ठीक पोस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सर रिमूव भी कर सकते हैं किसी पर्सन को? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे आप यूजर में आए या यूजर्स हैं हमारे पास और इस यूजर को आके यहाँ से डिलीट कर दें, तो ये यूजर ही डिलीट हो जाएगा, इसका सब्सक्राइबर वाला अथॉरिटी भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, क्लियर बात। अच्छा फिर उसके बाद एडिटर पढ़ लिया जी, एडिटर क्या कर सकता है, अपनी पोस्टें तो करनी ही करनी है इसने, पब्लिश और मैनेज और पेजेस, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जो यूजर्स हैं उनकी पोस्ट के ऊपर भी इसकी बड़ी कड़ी नजर होती है और उनकी पोस्ट को ये अप्रूव या डी अप्रूव डिलीट कर सकता है और एडिट भी कर सकता है उनकी पोस्ट को। और जो ऑथर है, ऑथर सिर्फ अपनी पोस्टों को ही मैनेज कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, किसी और की हुई पोस्ट को ये जो ऑथर साहब है ये एडिट नहीं कर सकते। सर पेजेस एडिटर मांग कर सकता है, अच्छा मैनेज, यार सर पेजेस एडिटर मैनेज कर सकता है या जस्ट एडमिन कर सकता है? करके देख लो ना, ये देखो आपका ये यूजर है, मैं इस यूजर को एडिट करता हूं। अभी सामने साफ साफ लिखा हुआ है ये देखो कि समबडी हु कैन पब्लिश एंड मैनेज पोस्ट एंड पेजेस एज वेल। तो हम क्या करते हैं कि ये जो भाई साहब हैं इसको हम सब्सक्राइबर से एडिटर बना देते हैं और यहां से अपडेट कर दिया। अच्छा जैसे ये एडिटर बनाया तो अब वापस आके इसका जो डैशबोर्ड है इसको रिफ्रेश किया, तो अब देखें उसके पास कितनी ऑप्शंस आ गई, पोस्ट भी है, मीडिया भी है, पेजेस भी है, लेकिन एडिटर के पास फिर भी बहरहाल अपियरेंस को मैनेज करने की अथॉरिटी नहीं है, सेटिंग्स को मैनेज करने की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें एडमिन लोग जो हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो अभी ये एडिटर है तो ये एडिटर की अथॉरिटी देखें जरा कि पोस्ट है, पेजेस हैं, मीडिया है, कमेंट्स हैं, कमेंट्स को भी मैनेज करना है ना, उसने पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट, कोई बुरा कमेंट कर जाता है तो उसको डी अप्रूव करना है या डिलीट करना है, स्पैम में डालना है, और टूल्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। वेरी गुड, चलें जी आ जाएं वापस, मैं इसको कर रहा हूं बंद जो नया यूजर था। हम क्या कर रहे हैं कि अब यूजर्स वाला सेक्शन हमारा क्लियर है, आगे चलते हैं टूल्स। टूल्स वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आमतौर पे हमने कोई चीज एक्सपोर्ट करनी हो, जैसे एक वेबसाइट के ऊपर हम पोस्ट कर चुके हैं, उन पोस्ट को हमने एक्सट्रैक्ट करके दूसरे वाली वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्यूटीन की, Qtean.com है मेरे पास, उसकी मैं पोस्टें सारी की सारी जो है वो करना चाहता हूँ एक्सपोर्ट करके, मैं अपनी इस वेबसाइट, ये जो SEOGrowth.tools है इसके ऊपर मैं वो पोस्टें करना चाहता हूँ। अभी तक कितनी पोस्ट है मेरे पास चेक करते हैं, हमारे पास iPhone 7, आई लव पाकिस्तान और हेलो वर्ल्ड, 3 पोस्ट है। मैं ये चाहता हूँ क्यूटीन की सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लूँ मैं। जाहिर बात है वो भी मेरी वेबसाइट है, ये भी मेरी वेबसाइट है, तो मेरे पास ये राइट है और मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन करना नहीं है क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टूल्स का फंक्शनैलिटी हमें पता चल जाए कि टूल्स करते क्या है। ये टूल्स किधर गए, ये हमारे पास है जी टूल्स वाला सेक्शन। तो टूल्स वाले सेक्शन के अंदर एक्सपोर्ट, अब यहाँ से पोस्टें एक्सपोर्ट करनी है ना हमने, तो मैंने एक्सपोर्ट की यहाँ से, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो वो कहता है क्या एक्सपोर्ट करना है, ऑल कंटेंट या फिर सिर्फ पोस्ट करनी। मैं कहता हूं जी सिर्फ पोस्ट को आपने जो है वो एक्सपोर्ट करना है, सारी कैटेगरीज की पोस्टें एक्सपोर्ट करनी है या सिर्फ एक कैटेगरी की करनी है? मैं कहता हूं सारी कैटेगरी, सारे ऑथर्स की करनी है या सिर्फ एक एक ऑथर की करनी है, कहां से वो स्टार्ट हुई हो, कहां पे एंड हो रही हो, उनका स्टेटस क्या हो, तो मैं कहता हूं सारी की सारी पोस्टें अभी तक जितनी हो चुकी है ना सारी की सारी जो है वो एक्सपोर्ट कर दो और मुझे एक एक्सपोर्ट फाइल बना के दे दो। ये देखो डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल, तो वो क्या करेगा उसी वक्त एक फाइल जो है वो मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड कर देगा जिसके अंदर सारी की सारी पोस्टों का कंटेंट मौजूद होगा। मैं अपनी दूसरी वेबसाइट जो है SEOGrowth.tools वाली, इसके टूल्स में जाता हूँ। यहाँ पे जो टूल्स हैं इसको अब मैंने इसके इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, वहां से एक्सपोर्ट किया था और यहाँ पे आके हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी क्या इम्पोर्ट करना चाहते हैं? सारी बात है हम वर्डप्रेस से चीजें इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसको जरा इंस्टॉल कर लेता हूँ इसका इम्पोर्टर।
रन इम्पोर्टर और चूज फाइल, ये चूज फाइल चूज करते हैं जी, इसको हम वो फाइल देते हैं जो हमने दूसरी वाली फाइल से, दूसरी वाली वेबसाइट से डाउनलोड की है। तो ये फाइल इसको पकड़ा दी, अपलोड फाइल एंड देन इम्पोर्ट। वेबसाइट माइग्रेशन इधर से ही होती है, नहीं वेबसाइट का कंटेंट माइग्रेट हो जाता है, लेकिन माइग्रेशन भी करेंगे इंशाल्लाह, वो हम प्लगइन से कर लेंगे, वो ज्यादा इजी है। ठीक है, ऑटोमेटिकली दे देगा ऑथर्स उनको, वो कह रहा है ऑल डन, ऑल डन, हैव फन। ओके, तो अब हम इसकी पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं। तो देखें अब जरा, पहले 3 पोस्टें थी, अब कितनी पोस्ट हो चुकी हैं, वो है जी अब 25 पोस्ट। ये ईद उल फितर, विशेज, कोर्ट्स, ये सारी की सारी पोस्टें कहाँ से आई हैं, ये इनका सारे का सारा कंटेंट भी आ गया, कैटेगरीज भी बन गई, इनको टैग्स जो लगे हुए थे वो भी आ गए, इनको आप चाहें तो जाके इनको व्यू कर सकते हैं यहाँ से। तो इन इसका जो लेआउट बनेगा वो सारी बात है इस थीम के मुताबिक बनेगा, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर कोई और थीम इंस्टॉल्ड है, उस वेबसाइट के ऊपर कोई और थीम इंस्टॉल्ड है, तो लेकिन कंटेंट जो है वो आपका सारे का सारा कॉपी हो जाएगा। इमेजेस भी आ गए, ये सारे इमेजेस हमने तो नहीं ना लगाए, ये तो सारे क्यूटीन क्यूटीन से आए हैं। तो इस तरह जो है वो हम एक वेबसाइट को कॉपी करके उसका जो कंटेंट है, उसकी जो पोस्टें हैं, उनको कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह हर एक पोस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। फनी गुड मॉर्निंग कोट्स हैं, इसको मैं व्यू कर लेता हूं, तो ये भी हमारा फनी गुड मॉर्निंग कोट्स वाला सेक्शन भी कंप्लीट है। हाँ जी, समझ आ गई है टूल्स वाले सेक्शन की कि क्या करता है ये। अब इनको चाहें तो आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मैं सारी पोस्टों को कॉपी किया, इन जो 2-3 पोस्टें थी इनको मैंने अनचेक कर दिया, और यहाँ से बल्क एक्शन करके मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई, तो वो सारी की सारी पोस्टें जो मैंने अभी इंपोर्ट की हैं वो डिलीट हो जाएंगी, वन क्लिक का काम है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पेज पे चली गई थी उनको भी चेक कर लेते हैं। पेजेस बन जाते हैं ना यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो उनके ऊपर भी हम यही एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, एक पेज पे कितनी पोस्ट शो हो सकती हैं, जितनी आप चाहें। सर इसको यूज नहीं कर सकते तो फायदा क्या टूल्स का, इसको बेटा ये जैसे मैंने अभी यूज किया है ना, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरी एक ई कॉमर्स साइट थी पुरानी, kapdacollection.com के नाम से ना, कभी किसी दौर में मैं वो बेचा करता था ई कॉमर्स, जो सूट्स हैं और इसके अलावा जो दूसरी चीजें होती थी, ये लड़कियों की वो बैग्स वगैरह और ये ज्वेलरी आइटम्स कुछ होती थी एक स्टोर। तो वो मुझे जो है वो अब चेंज करना था थोड़ा सा उसका लेआउट, उस ई कॉमर्स बिजनेस का, तो मैं ये चाहता था कि वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मैं सेम मैं नई वाली वेबसाइट के ऊपर लगा लूँ, मुझे दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि मेरी पुरानी वेबसाइट बंद हो गई थी या मैं बंद करना चाह रहा था उसको। तो मैंने क्या किया, वन क्लिक के ऊपर अपनी सारी प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया, दूसरी वाली वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो इम्पोर्ट कर दिया, एक से एक्सपोर्ट किया, दूसरी पे इम्पोर्ट कर दिया, तो वो दोबारा से मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हर एक पोस्ट के अंदर जाके मैं पिक्चर्स लगा रहा हूँ, मैं प्राइसेस लिख रहा हूँ, मैं उसकी स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ, मैं उसकी वेरिएशंस बना रहा हूँ, तो ये सारे का सारा काम, जो सारी की सारी मेहनत होती है वो बच जाती है, ये फायदा है इसका। तो सर कैसे सिलेक्ट करें कि कितनी पोस्ट एक पेज पे शो हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने अभी ये ट्रैश की थी ना, तो ये सारी की अब ये नीचे पेजेस बन गए, ये कि ये 1 of 2, सेकंड पेज पे जाते हैं तो ये सेकंड पेज पे इतनी पोस्टें शो हो रही हैं, 2 है, ठीक है, इनको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं दोबारा से, मैं पिछले पेज पे जाता हूँ,
थीम को मैं जरा रिस्टोर करता हूँ। अच्छा, अब मेरी जो है ये दोबारा से रिस्टोर हो चुकी हैं चीज़ें। ऑल में जाता हूँ तो कितनी पोस्ट हैं जी? 25 पोस्ट हैं। और यहाँ पे कितनी नज़र आ रही हैं? ये दो जो हैं वो, ये सेकंड पेज जो है वो दो पेजेस बन गए, मतलब एक दो तीन चार पांच, पांच पोस्टें अगले पेज पे नजर आ रही हैं। आई जस्ट वॉन्ट के वो एक ही पेज के ऊपर सारी पोस्टें शो हो जाए, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे ये स्क्रीन ऑप्शन है, स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज कितनी है? 20, तो मैं इसको चेंज करके 100 कर देता हूँ। अप्लाई करते हैं तो वो अब 100 पोस्ट जो है वो मेरी एक ही पेज पे शो होगी और नेक्स्ट पेज भी नहीं बनेगा। देखिए, अब तो नहीं पेज बना। तो जहां तक पोस्टें थी, अब जब तक 100 कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। तो इसको यहाँ से आप लोग स्क्रीन ऑप्शंस में से मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखें कि आपने यहाँ पे, आपको ये चाहिए कि नहीं, ये जो कमेंट्स वाला सेक्शन है या फिर टैग्स वाला सेक्शन है, कैटेगरीज वाला सेक्शन है, इसको आप लोग खुद से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कमेंट्स वाले सेक्शन को अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, और अप्लाई करता हूँ, तो देखिए वो कमेंट्स वाला सेक्शन निकल गया। और अगर दोबारा से रखना है, कमेंट्स वाला सेक्शन नहीं है, दोबारा से लाना है तो कमेंट्स को चेक करें, ये फिर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको अभी फिलहाल हम यहाँ से रिमूव करके अप्लाई कर देते हैं। अच्छा जी, बहरहाल आगे चलते हैं जरा। क्यू टीम तो एक्सपोर्ट कर ली, यूजर्स भी हमारे क्लियर हो गए। इससे अगली जो चीज है हमारे पास है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर, जनरल सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ पहले। जनरल सेटिंग्स में आपकी छोटी छोटी सी चीजें हैं सर। जितनी ज्यादा पोस्ट एक पेज पे शो होंगी, साइट लोडिंग में इशू आएगा? नहीं, कोई इशू नहीं आता। ये तो आपका डैशबोर्ड है ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है, जितनी मर्जी करो। ये आप कौन सा, मतलब मेन पेज पे दिखा रहे हो? मेन पेज पे भी कोई मसला नहीं आता वैसे, जो आपकी वेबसाइट का मेन पेज होता है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि डेपर पे हमने जो है वो जो चीजें आ रही हैं इसमें, अब एक दो तीन चार पांच और फिर उसके बाद इतनी ही पोस्टें तकरीबन नीचे। तो आप जितने मर्जी इसके सेक्शंस बनाते रहे, ये तो लेआउट खुद से बनाया हुआ है ना कि वो पोस्ट जो है वो इस फॉर्म के अंदर, कि यहाँ पे उसकी फीचर इमेज शो हो, यहाँ पे उसका टाइटल हो, उसका बैकग्राउंड कलर ये हो, ईच एंड एवरीथिंग इज मैनेज्ड, ठीक है? तो लेआउट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पड़ेगा भी तो हम उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज कर लेंगे, वो एक और स्किल है जिसको हम सीखेंगे और उसमें देखेंगे कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट को जल्दी लोड करवा सकते हैं और उसकी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। जितने मर्जी पेजेस बना लें, ये मेन्यू वाला सेक्शन आपके पास होता है तो उन पेजेस को आप जो है वो यहाँ पे मेन्यू के अंदर शो करवाएं जैसे मर्जी करें, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, फिर उसके बाद ये जनरल सेटिंग्स में जो छोटी छोटी सी चीजें हैं कि साइट का टाइटल अगर चेंज करना है, जैसे अगर ब्रांड नेम चेंज करना है आपने अपना, तो आप ब्रांड नेम चेंज कर रहे हैं। अगर आपका नाम पहले सजावट हाउस था, अब आप उसको चेंज करके कुछ और रखना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर लें। अपनी टैग लाइन है उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन इसके अंदर चेंजिंग कर लें। ये जो वर्डप्रेस का एड्रेस है, साइट एड्रेस, ये तो सारी बात है आपका वही होगा जो आपने, जो यूआरएल है आपकी वेबसाइट का और जो आपकी वेबसाइट की डोमेन। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, ये admin@SEOgrowth.tools, ये जो है आपका एडमिन ईमेल होता है और इसको एक्सेस करने के लिए आपको जाना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, SEOgrowth.tools/webmail, ठीक है? क्या बोलेंगे? वेब मेल इसको बोलते हैं, जो आपकी ऑनलाइन ईमेल होती है। और इसी तरह इसको एंटर करता हूं मैं। ये ईमेल आपको पहले सी पैनल से क्रिएट करनी पड़ती है और उसका यूजर नेम और पासवर्ड पहले सी पैनल में आप रखेंगे और देन आप लॉग इन करेंगे। आई डोंट नो कि ये है मेरे पास या नहीं, सक्सेस। चलें जी, मिल गई है, इसकी एक्सेस मैंने बनाई हुई थी। इसको ओपन करते हैं तो मेरे पास एक सेम व्यू जो है वो
खुल जाएगा आपका जो है वो, जैसे ईमेल जहाँ से करते हैं रिसीव करते हैं ये सारे का सारा काम, वो आपको यहाँ पे जो है वो आप लोगों को, आप यहाँ से ईमेल कर भी सकते हैं लोगों को प्रोफेशनली। और प्रोफेशनली का मतलब ये है कि आपकी ईमेल जीमेल पे नहीं बनी हुई कम से कम, और आपका अपना एसईओ ग्रो डॉट टूल्स है, तो आपकी जो, अगर मैं बताऊं यहाँ पे जो आपका ईमेल एड्रेस है वो है admin@seogrowth.tools। इसका मतलब ये है कि उस ईमेल एड्रेस के अंदर आपका अपना जो है ब्रांड नेम आ रहा है, ठीक है। इसकी बजाय अगर आपका ब्रांड नेम होता जी मोहम्मद सुफियान 6196@gmail.com, ठीक है। अब मैं इस ईमेल से जब ईमेल करूंगा, इसका मतलब यह है कि मैं एज एन इंडिविजुअल काम कर, अब अगले बंदे को क्या पता कि ये मोहम्मद सुफियान कौन है, तो वो मेरी बात इतनी ज्यादा गौर से नहीं सुनेगा। लेकिन जब ईमेल उसको जाएगी admin@seogrowth.tool से, इसका मतलब यह है कि यार मैंने प्रोफेशनली जो है वो चीजें ली है और प्रोफेशनली मैंने उसको रीच किया है। इसके अगेंस्ट मतलब अगर मैं इसकी की बात करता हूँ और मैं उसको ईमेल करता हूँ mohammad.sufyan@patb.gov.pk, इस ईमेल से जब मैं उसको ईमेल करता हूँ, तो इसको, इसका मतलब ये है कि यार ये बंदा जो है वो PITB से है, गवर्नमेंट, और .pk उसकी जो है वो एक्सटेंशन है। तो ये, इसका मतलब ये है कि किसी ऑफिशियल की तरफ से मुझे ईमेल आई है, और @gmail की तरफ से आएगी जब, तो वो फिर ऐसा इंडिविजुअल थोड़ा सा चीजें हो जाती हैं। तो admin@seogrowth.tools इस तरह कर लें, या फिर आप इसको जो है वो info@something-like-that, ठीक है, इस तरह की ईमेल भी बन सकती है आपकी, और आपके अपने नाम पे भी बन सकती है कि sufyan@seogrowth.tools। तो ये आप लोग सी पैनल के अंदर से जाके ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अब बता दूंगे कैसे क्रिएट करनी है, /cpanel। अच्छा जी, मैं ये सी पैनल के अंदर गया हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये ईमेल वाला सेक्शन है और ये है ईमेल अकाउंट्स। मैं ईमेल अकाउंट्स के अंदर जाता हूँ, एसईओ ग्रोथ, ये कौन सा ईमेल सर्वर है? सर ये ईमेल सर्वर हर एक डोमेन के ऊपर होता है, ठीक है। हर एक डोमेन के ऊपर जाके आप लोग ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो। जब आप लाइव सर्वर खरीदते हो तो साथ आपको ईमेल्स भी मिलते हैं, कस्टम ईमेल्स, ठीक है। अब जैसे ये seogrowth.tools पे गया, तो मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ मैंने उसका कोई यूजर नेम रख दिया, लाइक इन्फो रख दिया, info@seogrowth.tools, और यहाँ से मैं उसका पासवर्ड लिख दूंगा, ठीक है, जो भी मैंने पासवर्ड देना होगा उसको, तो मैं उसको पासवर्ड दे दूंगा। अब ये जो मैंने पासवर्ड दिया है और मैंने इसको यहां से क्रिएट किया है, अब ये बंदा, ये जो इन्फो वाला है, ये जाके seogrowth.tools लिखेगा, /webmail लिखेगा, ठीक है, और लॉगिन कर लेगा। यहां पे लिखेगा info@seogrowth.tools, ठीक है, और नीचे अपना पासवर्ड देगा जो मैंने उसको दिया हुआ होगा, और उसको लॉगिन कर देगा। लॉगिन सक्सेसफुल। इसको ओपन करते हैं तो मेरे पास ये इसका डैशबोर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो उसने पहली ईमेल जो है वो मेरी आ गई है। यहाँ से आप लोग ईमेल कर भी सकते हैं, ठीक है, और ईमेल रिसीव भी कर सकते हैं। फॉर्म्स के बैकएंड के ऊपर भी आप इस ईमेल को लगा सकते हैं कि जैसे ही फॉर्म का रिस्पॉन्स आए, कोई फॉर्म सबमिट करे, तो मुझे इस ईमेल के ऊपर एक ईमेल मिल जाए, ठीक है जी। अब आपकी अपनी मर्जी, आपने इसको कैसे मैनेज करना है।
बात कहाँ से निकली थी, कहाँ पे आ गई, वापस चलते हैं जरा जनरल सेटिंग्स के ऊपर। और जनरल सेटिंग्स में और क्या क्या चीजें हैं जी? जनरल सेटिंग्स में एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल हो गई, मेंबरशिप है जी कैसी, कि एनीवन कैन रजिस्टर या फिर नहीं, और जो भी नया यूजर होगा उसको हमने कौन सा रोल देना है। ये ना हो के हमने वेबसाइट के लॉगिन पासवर्ड का जो है वो वेबसाइट के ऊपर एक लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ हो, हमने कहा जी एनीवन कैन रजिस्टर, और यहाँ से न्यू यूजर का जो डिफॉल्ट रोल है वो बाय डिफॉल्ट हम उसको एडमिन कर दें। तो जैसे ही कोई बंदा आके जो है वो अकाउंट बनाएगा तो फिर उसको एडमिन की एक्सेस मिल जाएगी, फिर वो एज एन एडमिन लॉग इन कर सकता है। लेकिन हमने क्या करना है कि नया बंदा जब भी कोई अकाउंट बनाए तो उसको हमने सब्सक्राइबर ही रखना है। साइट की लैंग्वेज कौन सी होगी, उसका टाइम जोन कौन सा होगा, डेट का फॉर्मेट कैसे रखना है, टाइम का फॉर्मेट कैसे रखना है, ये अब आप लोगों को ज्यादा बेहतर जो है वो पता है, वीक कब स्टार्ट हुआ करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद चलते हैं अगली, अगला सेक्शन है हमारा राइटिंग्स का सेक्शन। राइटिंग्स के अंदर राइटिंग्स की सेटिंग्स किस किस तरह की है वो देखते हैं। डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, पोस्ट कैटेगरी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी पोस्ट को कोई भी कैटेगरी असाइन नहीं करते तो उसको ऑटोमेटिकली एक कैटेगरी है जिसका नाम है अनकैटेगराइज्ड, वो असाइन हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो अनकैटेगराइज्ड पोस्ट है। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही होगा, और भी कुछ फॉर्मेट होते हैं जैसे ए साइट, चैट, गैलरी, लिंक, इमेज, ये हम लोग बाद में मैनेज कर सकते हैं पोस्ट को जो है वो मैनेज करते हुए या पोस्ट को एडिट करते हुए। मैंने आप लोगों को बताया था पोस्ट के अंदर जाके मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप लोग उसके फॉर्मेट्स वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं कि ये वाली पोस्ट जो है वो कैसी लगेगी। जैसे ये ए साइट इमेज, अगर आपने इमेज को ही लगाना है और चाहते हैं इमेज के ऊपर फोकस किया जाए तो आप इमेज सेलेक्ट कर लें उसका, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट इसको हम स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं। डिफॉल्ट एडिटर फॉर ऑल यूजर्स, ब्लॉक एडिटर बिल्ट इन एडिटर है लेकिन हमने क्लासिक एडिटर का प्लगइन यूज किया है, इस वजह से वो क्लासिक एडिटर को एज अ डिफॉल्ट हमने यहाँ से सेट किया हुआ है कि जैसे ही हम एड न्यू के ऊपर क्लिक करें तो हम उसको क्लासिक एडिटर के अंदर मैनेज करना चाहते हैं। अलाउ यूजर्स टू स्विच एडिटर्स, जो यूजर्स हमने क्रिएट किए थे एडिटर और उसका जो है वो उसके बाद हमने ऑथर यूज ऑथर को हमने ऐड किया, तो हम क्या उनको अलाउ करना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से क्लासिक एडिटर में पोस्ट को एडिट कर लें या फिर ब्लॉग एडिटर में एडिट कर लें। तो हम अगर यस कर देंगे तो वो उनके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप इस पोस्ट को ब्लॉग एडिटर में एडिट करना चाहते हैं या फिर क्लासिक एडिटर में करना चाहते हैं। मेल सर्वर है, इसको अगर मैनेज करना है तो कर नेम पासवर्ड, इसकी आप लोगों को आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद रीडिंग सेटिंग्स हैं। रीडिंग सेटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग सेटिंग्स के अंदर मैं अगर आप लोगों को बताऊं, मेन पेज पे चलते हैं। अभी मेन पेज के अंदर जो सबसे बेसिक चीज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को नजर आ रही है वो ये है कि हेडर के फौरन बाद यहाँ पे जो भी हम पोस्ट करते हैं वो यहाँ पे शो हो जाती है। इसके ऊपर कोई और पोस्ट करेंगे तो ये पोस्ट जो है वो नीचे चली जाएगी और नई पोस्ट यहाँ पे ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। फिर उससे पहले हमने ये ब्यूटीफुल कोट्स वाली आई लव पाकिस्तान वाली पोस्ट की थी तो वो उससे नीचे चली गई। फिर हेलो वर्ल्ड के अंदर पिक्चर लगाई थी तो वो डेट वाइज इनको मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे होम पेज के ऊपर कोई पेज शो हो जो मैंने डिजाइन किया खुद से, तो फिर क्या करना है? फिर हमने इन सारी पोस्टों को यहाँ से रिमूव कर देना है कि ये पोस्ट यहाँ पे होम पेज पे शो ना हो बल्कि कोई और पेज, जैसे कॉन्टेक्ट अस का पेज मैं अपने होम पेज पे शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से अभी हमारी जो सेटिंग्स है वो है योर होम पेज डिस्प्लेस। क्या डिस्प्ले करता है? अभी फिलहाल योर लेटेस्ट पोस्ट, सारी बात है कि हमारी लेटेस्ट पोस्ट होम पेज पे आती है। लेकिन अगर हम इसको चेंज करके अस्टेटिक पेज कर देते हैं कि कोई और पेज हम शो करवाना चाहते हैं, अपनी लेटेस्ट पोस्ट है यहाँ पे शो नहीं करवाना चाहते, तो स्टैटिक पेज सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने उसको बता दिया कि हमारा होम पेज कौन सा होगा, अबाउट अस को होम पेज शो करवाना है या फिर कॉन्टेक्ट अस को शो करवाना है। जितने भी पेजेस यहाँ से हमने बनाए थे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे कि कितने पेजेस हैं, आप उसमें से अपना मनपसंद पेज चूज कर लें और उसको रख लें। अच्छा, वो कहता है ठीक है तुमने ये तो बता दिया कि होम पेज के ऊपर आपने कॉन्टेक्ट अस को लगाना है, लेकिन ये नहीं बताया कि फिर ये जो पोस्टें हैं ये किधर जाएंगी। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक ब्लॉग का पेज क्रिएट कर लें और पोस्ट पेज उसको कह दें कि जितनी भी पोस्टें हैं वो ब्लॉग के अंदर चली जाएंगी। जैसे मैं अगर अभी फिलहाल जो है वो मैं एक पेज क्रिएट करता हूं और ऐड न्यू करता हूं, इसका नाम मैं रखता हूं ब्लॉग,
और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। और फिर दोबारा से मैं सेटिंग्स के अंदर, रीडिंग सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ और यहां से स्टैटिक पेज सिलेक्ट करते हैं, होम पेज कॉन्टेक्ट अस को कह दिया और पोस्ट पेज हमने कह दिया ब्लॉग को। अब देखें ब्लॉग भी शो हो रहा है हमारे ड्रॉप डाउन में, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने क्रिएट किया है तो वो ब्लॉग शो करवा। अच्छा फिर कहता है जी ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट कितनी पोस्टें, 10 पोस्टें। सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट रीसेंट, ठीक है जी। और फिर उसके बाद फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट या फिर उसकी समरी डालनी है। सर्च इंजन विजिबिलिटी जो है वो आप लोगों को मैंने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के दौरान भी बताई थी कि हमने अगर गूगल को कहना है कि भाई अभी मेरे कंटेंट कंटेंट को इंडेक्स ना करो, मैं इसको चेक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा कंटेंट जो है वो गूगल के यूआरएल्स के अंदर या गूगल की सर्च हिस्ट्री के अंदर, सर्च रिजल्ट्स के अंदर इंडेक्स ना हो। सेव चेंजेस कर देते हैं जी अभी। तो अभी देखते हैं कि क्या हुआ है, मैंने मेन पेज अपना चेंज कर दिया था ना, अब मेन पेज के ऊपर कॉन्टेक्ट अस जो है, होम पेज के ऊपर कॉन्टेक्ट अस शो होना चाहिए। तो इसी पेज को, ये जो SEO ग्रोथ डॉट टूल्स है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखें जरा मेरे मेन पेज के ऊपर कॉन्टेक्ट अस जो है वो शो हो रहा है, कोई और पेज या कोई और पोस्ट जो है वो यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि वो सारी की सारी पोस्टें किधर गई, तो वो पोस्टें चली गई ब्लॉग वाले पेज पे। जैसे मैं seogrowth.tools/blog लिखता हूँ जो कि उसका URL बन गया होगा, तो ब्लॉग वाले पेज पे जाते हैं जब, तो देखें अब जरा वो iPhone 7 और ये सारे का सारा जो कंटेंट था वो अब मेरा ब्लॉग वाले पेज पे चला गया। और अब मैं इनको चाहूँ तो जाके अपियरेंस के अंदर, मेन्यूज के अंदर ब्लॉग वाले पेज को भी ऐड कर सकता हूँ। ये पेजेस हैं, इसमें फिर व्यू ऑल करते हैं और ब्लॉग पोस्ट पेज, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पोस्ट पेज है और कॉन्टेक्ट अस जो है वो हमारा फ्रंट पेज। तो ये ब्लॉग भी अब मेरे इस सेक्शन के अंदर ऐड हो गया, इसको सेव कर देते हैं, रिफ्रेश किया। तो अब मेरे मेन्यू के अंदर ब्लॉग पेज भी आ गया, ये होम पेज है हमारा। और ये होम पेज के ऊपर क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, और ब्लॉग पेज के ऊपर क्या आ रहा है हमारा, iPhone 7 और जितनी भी नई पोस्टें थी वो हमारी ब्लॉग पेज के ऊपर चली गई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता दें, अभी जितना मैंने काम किया उसमें कोई मसला है तो बता दें। क्लियर है सब लोगों को, इंप्लीमेंट करके देख लिया सब लोगों ने? ठीक है, वेरी गुड। अभी मैंने चीजें इंडिविजुअली आप लोगों को जो है वो देखना शुरू नहीं की, आप लोगों की जिस दिन मैंने इंडिविजुअली आप लोगों का काम देखना शुरू कर दिया ना, फिर उस टाइम पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है और कौन कितना काम कर रहा है। अब जैसे मैं बाबर से पूछता हूँ, बाबर दिखाओ अपनी वेबसाइट या फिर अपना लोकल होस्ट के स्क्रीनशॉट भेजो अगर वेबसाइट नहीं खरीदी तो फिर बाबर साहब जो है वो हमें स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और पूरी क्लास के सामने हम देखेंगे कि बाबर ने कितना काम किया है, शाहजेब ने कितना किया है, सना ने कितना किया है, बिलाल ने कितना किया है, ठीक है। तो मतलब ये है कि फिर उससे ये होगा कि हमें एक दूसरे के काम से सीखने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब उसके बाद है हमारे पास डिस्कशन। डिस्कशन जाहिर बात है नाम से जाहिर है, जो आपके कमेंट्स हो रहे होंगे उनको आप लोग जो है वो मैनेज करना चाहते हैं और वो आपने उनको कैसे मैनेज करना है वो देखेंगे। तो कमेंट्स के अंदर जाके मैं ये करता हूँ कि जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कैसे उनको मैनेज करना है। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट द नेम एंड ईमेल, यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू द कमेंट। एक कमेंट्स की सेटिंग है, ठीक है, और कमेंट्स की मॉडरेशन आप लोग यहाँ से मैनेज करते हैं कि हमने क्या सेटिंग्स रखनी है, लोग कैसे आके जो है वो
रेटिंग कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट की पोस्ट के अंदर जो डिस्कशंस चल रही हैं उसको हमने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और ये तब आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी अगर आपकी वेबसाइट कोई ब्लॉग वेबसाइट है जिस जो एसईओ के अंदर, जो गूगल के अंदर रैंक्ड है और लोग उसको देखते हैं और उसको अपने अपनी राय का इजहार करते हैं, तो उन लोगों को आप लोग यहाँ से कमेंट्स में से भी मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने वो पोस्टें जो है वो की थी ना, तो उनके कमेंट्स भी यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। तो उन कमेंट्स को मैं अप्रूव करना चाहता हूँ, डी अप्रूव करना चाहता हूँ, स्पैम में डालना चाहता हूँ या ट्रैश में डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से उनको मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैंने सबको सिलेक्ट किया और मार के स्पैम कर दूं या मूव टू ट्रैश कर दूं, तो वो सारे के सारे ट्रैश में चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो चीजें हैं बाकी सेटिंग्स के अंदर, मीडिया सेटिंग्स हैं। मीडिया सेटिंग्स भी सारी बात है हमारे ये पिक्चर्स के साथ रिलेटेड है कि उनकी सेटिंग्स कैसी होगी, थंबनेल का साइज जो है वो कितना होगा, मीडियम साइज कितना होगा, लार्ज में साइज कितना होगा, तो उसकी सेटिंग्स आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेसिस बेस्ड फोल्डर। आप लोग जो जो पिक्चर्स जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते जाते हैं ना, आपके सी पैनल के अंदर उसके एक फोल्डर्स बनते जाते हैं। मैं सी पैनल अगर लॉग इन किया था, किधर है सी पैनल, मैं बाकी चीजें बंद कर रहा हूँ, हम सी पैनल में चलते हैं जरा इसके, जो एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स का सी पैनल है /WP, सॉरी WP नहीं, सी पैनल, ठीक है। थोड़ा सा उसका भी नो हाउ आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। मीडिया की सेटिंग्स यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है, उसका मतलब है वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर, तो मैं इसको लॉग इन करता हूँ। जरा बताना ये चाहता हूँ कि वर्डप्रेस हमारी चीजों को कैसे कैसे मैनेज करता है। मैं मीडिया के अंदर आया हूँ और मीडिया के अंदर कितनी पिक्चर्स हैं अभी हमारे पास, अभी ये तीन चार या पांच पिक्चर्स हमने अपलोड की हैं। इनको बैकएंड के ऊपर वर्डप्रेस ने कैसे मैनेज किया है, तो सी पैनल के अंदर ये फाइल मैनेजर है हमारा, और फाइल मैनेजर के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि जो रूट डायरेक्टरी होती है, जो मेन रूट डायरेक्टरी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है पब्लिक अंडरस्कोर HTML। तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जाते हैं और इसके अंदर ये वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल्ड है। तो अब वो इमेजेस ढूंढने हैं हमने अगर, तो वो इमेजेस हमें कहाँ मिलेंगे, WP कंटेंट में, और ये हमारे WP कंटेंट के अंदर सारा जो कंटेंट है हमारी साइट का वो मौजूद होता है। कहाँ पे गए हम, सबसे पहले पब्लिक HTML और उसके बाद WP कंटेंट, उसके अंदर ये प्लगइन्स हैं जो हमने अभी तक इंस्टॉल किए हैं। मैं प्लगइन्स के अंदर क्लिक करता हूँ तो देखें जरा, ये वही प्लगइन्स हैं, क्लासिक एडिटर, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 और वर्डप्रेस इंपोर्टर जो हमने आज डिस्कस किया। मैं इसको जरा प्लगइन्स वाला सेक्शन आप लोगों को दोबारा से दिखा देता हूँ, तो देखें जरा कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 इधर था, तो इधर है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ये देखें जी। फिर उसके बाद क्लासिक एडिटर है, हेलो डॉली है, वर्डप्रेस इंपोर्टर है जो हमने आज क्यूटीन की पोस्ट को इंपोर्ट करने के लिए यूज किया, अकिस्मत है जो एंटी स्पैम है, अकिस्मत, और तो ये सारे के सारे प्लगइन्स यहाँ पे मौजूद है। फिर मैं अप वन लेवल जाता हूँ तो थीम्स के अंदर जाते हैं, तो वर्डप्रेस के अंदर अभी तक जितने थीम्स हम इंस्टॉल कर चुके हैं, ये अपीयरेंस के अंदर, ये थीम्स के अंदर जाते हैं, तो 2017, 2019 और 2020 अभी तक मेरे पास थीम्स में शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने थीम्स के फोल्डर के अंदर आया, ये WP कंटेंट में, ये थीम्स में, तो देखें 2019, 17 और 2020, ये मेरे पास इनकी इनके फोल्डर यहाँ पे बने पड़े हैं। मैं जब चाहूँ इनके अंदर जाके इनकी कोर फाइल्स को जाके चेंज कर सकता हूँ, जैसे ये फंक्शंस डॉट PHP है, हेडर डॉट PHP है, तो इसके अंदर जब भी मैं मुझे कोड करने की जरूरत पड़ती है तो मैं इसको यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद अगली चीज पे आते हैं, अप वन लेवल, फिर अप वन लेवल, तो ये हमारे पास है अपलोड्स। तो अपलोड्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी अपलोड्स हम करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, कोई इमेजेस अपलोड करते हैं, कोई PDFs अपलोड करते हैं, या कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो यहाँ पे ईयर वाइज पहले मैनेज होती है। देखिए पहले एक ईयर का फोल्डर है, अगर 2019 में मैंने अगर कोई पिक्चर अपलोड की होती तो यहाँ पे एक और फोल्डर बना होता 2019 का, लेकिन कोई नहीं की थी पहले, तो 2020 का फोल्डर है। अब 2020 के फोल्डर के अंदर मंथ वाइज डेटा जो है वो मंथ वाइज फोल्डर अटैच है, मतलब 8th मंथ में कौन से पिक्चर्स अपलोड की थी, 9th मंथ में कौन सी अपलोड की है। अगर मैं 8th में जाता हूं तो देखें जरा, ये वो इमेजेस हैं
जो हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। ये सारी की सारी इमेजेस हमने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से अपलोड की हैं और बाद में देन हमने उनको रिमूव कर दिया। असल में ये वेबसाइट पहले भी ऑलरेडी चल रही थी, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे मीडिया में तो वो चार इमेजेस ही नजर आएंगी, लेकिन मैं कुछ इमेजेस को अपलोड करके डिलीट भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। फिर अप वन लेवल चलते हैं, तो ये 9th मंथ है हमारा। तो 9th मंथ में हमारे पास ये पिक्चर्स जो है वो मौजूद है, इनकी टाइप भी मौजूद है और इनकी परमिशंस वगैरह सारी की, मतलब ये है कि बैकएंड के ऊपर सारी की सारी चीजें मैनेज हो रही होती हैं। अगर हम इंडिविजुअली वेबसाइट बनाएं और तो फिर हमें ये सारी की सारी फाइल्स आपस में लिंक करनी पड़ेंगी, फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे एंड सो ऑन, वो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। लेकिन वर्डप्रेस ने हमारी जिंदगी को थोड़ा सा आसान कर दिया है और वर्डप्रेस ने इन चीजों को मैनेज करना जो है वो हमारे लिए इंतहाई आसान कर दिया। मीडिया की सेटिंग्स के बाद हम चलते हैं परमालिंक्स की तरफ। परमालिंक्स हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि परमालिंक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से। हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे कॉन्टेंट को कैसे विजिट करें, जैसे मैंने सीधा सीधा लिखा seogrowth.tools/blog, ठीक है। तो लोगों को याद था कि यार ये seogrowth.tools/blog के पेज के ऊपर इनकी नई नई पोस्टें आती रहती है, तो वो सिंपल लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। और गूगल के अंदर भी मेरा यही यूआरएल इंडेक्स हुआ होगा। अब कल कलां को जाके मैंने क्या किया, ये सारे का सारा कंटेंट जो है वो मैंने चेंज कर दिया। मैंने अपना ब्लॉग पेज ही चेंज कर दिया। मैंने कहा जी नई पोस्टें जितनी भी है ना, अब वो ब्लॉग के पेज पे शो नहीं होंगी, अब वो अपडेट्स का कोई पेज बना लिया मैंने और उसके ऊपर वो शो करवाया करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब यूजर्स जो पुराने, लेट सपोज 1 लाख की मार्केट आ रही थी, 1 लाख ऑडियंस मेरी वेबसाइट पे आ रही थी, अब वो उन सबको तो यही पता है कि seogrowth.tools/blog पे जाना है। हमने उसका यूआरएल चेंज करके अपडेट्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, अपडेट्स के ऊपर जो है, अभी तो मैंने कंटेंट नहीं डाला, मैं यहां से एक पेज बना लेता हूँ लेट सपोज, या इसका यूआरएल चेंज कर लेते हैं, प्लेन कर लो इसका, पोस्ट कर लो। ये मैं पेजेस के ऊपर जाता हूँ या पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, ये ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया था। तो ये iPhone 7 है, इसकी मैं पोस्ट को विजिट करना होता है, तो देखें जरा मैं seogrowth.tools/iPhone 7 पे जाता हूँ ऐसे। लेकिन अगर मैं परमालिंक्स को जाके चेंज कर देता हूँ, सेटिंग्स के अंदर जाके मैंने परमालिंक्स चेंज कर दिया, अब मैंने जो परमालिंक्स है वो रख दिए प्लेन, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब मुझे तो पता था कि मेरे iPhone 7 पे जाना है, अब नए वाले जो सीन है उसका तो मुझे नहीं पता। तो अब मुझे ये एरर आएगा कि 404 नॉट फाउंड, आप जिस यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का कोई एरर जो है वो मुझे शो करवा दिया जाएगा। अब वो नया जो पेज है, जैसे मैं पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, अब वो जो पेज है वो किस यूआरएल पे पड़ा है, मैं दोबारा से इसको व्यू करता हूँ यहाँ से, तो देखें जरा अब उसका वो क्या है जी, पोस्ट इज इक्वल टू 21, पी इज इक्वल टू 21, ये वो उसका जो है वो यूआरएल बन चुका है। तो मैंने यूआरएल चेंज कर दिया उनको बगैर बताए। तो इसकी वजह से जो लोग मेरे इस यूआरएल के ऊपर आ रहे थे वो सारे के सारे जो हैं वो अब इस पेज पे लैंड करेंगे और उनको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे सवाल, जैसे अभी ये नासिर ने पूछा कि सर व्हाई देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमालिंक्स, तो हर एक वेबसाइट की डिफरेंट नीश होती है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर उन्होंने हर 1 मिनट के बाद एक पोस्ट करनी है, हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद, या हर 1 घंटे बाद एक पोस्ट करनी होती है। तो वहां पे लोगों को उस पोस्ट का नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो यूआरएल के अंदर वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और उस वो यूआरएल इंडेक्स जब होता है तो वो भी, अब देखिए मैं अगर आप लोगों को गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फनी गुड मॉर्निंग कोट्स, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिखा, और यहाँ पे जो यूआरएल यहाँ पे आ रहा है वो है जी, जो पहली वेबसाइट आ रही है वो है wiseoldsayings.com/something-like-that। यहाँ पे अगली जो कोट्स वेबसाइट आ रही है वो अपनी वेबसाइट है qteen.me/funny-good-morning-quotes। अब कुछ लोग जो हैं
qt.me/funny-good-morning-quotes, इसका मतलब उनको फनी गुड मॉर्निंग कोट्स जो है वो चाहिए थी, वो आ गई। अब अगर यहाँ पे मैंने इसका जो यूआरएल है वो रखा होता /p=273 या 254, इस तरह का कुछ लिखा हुआ होता, तो वो यूजर के लिए फाइंड करना मुश्किल हो जाता और वो चीजें खराब हो जाती। वो तो अच्छी चीज ये है कि हमने उसको रीडायरेक्ट किया हुआ है कि वो दोबारा से मेन पेज के ऊपर ही रीडायरेक्ट हो जाती है, लेकिन इन सारी की सारी चीजों को मैनेज कर, हर एक वेबसाइट का अपना अपना, अब जैसे आप ARY की वेबसाइट देख लें, ठीक है, ARY न्यूज, अच्छा इसकी किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें, अब उनकी जो वेबसाइट है उन्होंने पूरा जो पोस्ट नेम है वो दिया हुआ है ताकि समझ में आ सके कि असल में हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद ये सेम स्ट्रक्चर जो है वो सभी पोस्ट के ऊपर इंप्लीमेंटेड होगा। 1, 2, एक और पोस्ट देखी, तब ये भी पोस्ट वैसी ही है, उसका यूआरएल भी ऐसा ही है, कोरोना वायरस एंटीबॉडीज पेशेंट्स रिकवरी। तो मतलब ये है कि आप लोग जब अपने यूआरएल के अंदर पोस्ट का नेम डाल देते हो तो थोड़ा सा लोगों को नो हाउ मिल जाता है कि एक्चुअली इस यूआरएल के अंदर आप करने क्या जा रहे हो। लेकिन अगर p=1, 2, 3, 4 समथिंग समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ लिखा हुआ होगा तो लोग उसको जो है वो समझ नहीं पाएंगे और मुख्तलिफ किस्म की उसके अंदर एम्बिग्विटीज आ सकती हैं। मैं अगर आप लोगों को इसकी और डिटेल थोड़ी सी बता दूं तो हमारे पास है, ताकि ये कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो जाए, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं उसको कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स क्यों हैं इन परमलिंक्स को मैनेज करने के लिए। तो उसका जवाब सिर्फ ये है कि वर्डप्रेस का जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट जो है, हर एक वेबसाइट का जो कंटेंट की नीश है वो डिफरेंट होती है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं ब्लॉग वेबसाइट्स, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर हमने आर्टिकल्स पब्लिश करने होते हैं, कुछ वेबसाइट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स पब्लिश करनी होती हैं, एंड सो ऑन। तो हमारे पास परमालिंक्स ये हैं, ये देखेंगे जी कि हर एक लेक्चर के अंदर अलग अलग से वैसे डिफाइन किया गया है कि परमालिंक्स का एक अलग लेक्चर है कि सारे का सारा दिन परमालिंक्स पढ़ने हैं, सारे का सारा दिन यूजर मैनेजमेंट्स पढ़नी है। लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि आप लोगों को जितनी जल्दी इन चीजों की समझ आ जाए और जितनी जल्दी हम प्रोफेशनल चीजों की तरफ मूव ऑन कर सकें हम कर जाएं। चलो भाई चलो जल्दी करो। पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए क्या परमालिंक सेट करें, यही पोस्ट नेम ही चलेगा उसके लिए। इसको हम ओपन कर लेते हैं गूगल स्लाइड्स से। अच्छा ये देखें, यूआरएल्स ऑफ द कंटेंट यू पब्लिश ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट आर नोन एज द परमालिंक्स। परमालिंक्स आर व्हाट पीपल एंटर इनटू देयर ब्राउजर एड्रेस बार टू व्यू वन ऑफ योर पेजेस, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि seogrowth.tools/blog, तो ये इसका परमालिंक है। इसी तरह हर एक कैटेगरी पेज का, हर एक जो है आपकी जो आपका है पोस्ट पेज, उसका हर एक का एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसको जब आप लोग चेंज करते हो तो फिर वो एरर देता है इस तरह का। दे आर ऑल्सो वर्ड सर्च इंजन एंड अदर वेबसाइट्स यूज टू लिंक टू योर वेबसाइट ड्यू टू दिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाहिर बात है गूगल के अंदर, गूगल ने क्या किया, गूगल डॉट कॉम ने क्यूटीन का फला यूआरएल जो है वो सर्च इंजन के अंदर रिसर्च रिजल्ट में शो करवा दिया,
ठीक है, क्यूटीन की बजाय हम फनी गुड मॉर्निंग पोस्ट कर लेते हैं। तो कोई फलां यूआरएल जो है वो उसका गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर आ रहा है, आप पीछे से जाके इसका परमालिंक स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, तो गूगल ने तो यही दिखाना है ना। तो इस परमालिंक स्ट्रक्चर के ऊपर, इस परमालिंक के ऊपर कोई भी कॉन्टेंट नहीं पड़ा होगा, तो लोग जो है वो, उनका यूजर एक्सपीरियंस आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का खराब हो जाएगा, कि लोगों को फिर इस तरह के एरर्स जो है वो देखने को मिलेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। आगे क्या है हमारे पास, 301 रीडायरेक्ट्स हैं, कि इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि रीडायरेक्ट्स लगा सकते हैं। ये सेटिंग्स है हमारे पास। और हमारा जो यूआरएल है, परमालिंक है, वो सर्च इंजन फ्रेंडली होना चाहिए। वो कहता है जी बेस्ट कौन सा है, आपकी अपनी मर्जी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं सुबह से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पिक वन एंड स्टिक विद इट। आप लोग स्टार्ट में सिलेक्ट कर लें, वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन वन ऑप्टिमल परमानेंट स्ट्रक्चर डू योर साइट अ फेवर एंड स्टिक विद इट फॉर द लाइफ ऑफ योर साइट। जब तक आपकी वेबसाइट की जिंदगी है तब तक आप उसको चेंज ना करें। पीपल यूज दिस लिंक्स टू लिंक डायरेक्टली टू योर साइट एंड अप एंड चेंजिंग देम डाउन द लाइन इज नॉट अ गुड आइडिया। वाइल मॉडर्न वर्जन ऑफ वर्डप्रेस आर टिपिकली स्मार्ट इनफ टू गेट मॉडिफाइड यूआरएल्स रीडायरेक्टेड टू द राइट प्लेस, इट डजंट लुक नाइस इन पीपल्स ब्राउजर्स एंड इज नॉट डूइंग एनी फेवर्स फॉर योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स। तो जितनी भी आपने उसकी एसईओ की हुई होगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, जाया हो जाएगी। इससे बचने के लिए आप लोग यूआरएल के स्टार्ट में, सॉरी वेबसाइट के स्टार्ट में यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर ले। ठीक है, ठीक है, ये वही बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे हमारे पास एक प्लगइन है जिसका नाम है 301 रीडायरेक्ट्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ qtin.com। मैंने क्या लिखा, qtin.com, इसको मैंने एंटर किया, तो वो जो वेबसाइट है उसने मुझे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर दिया qtin.me पे। qtin.com भी मेरी है, qtin.me भी मेरी है। ठीक है, तो ये रीडायरेक्शन कैसे होती है, उसके लिए हमने क्या किया कि रीडायरेक्ट के लिए एक प्लगइन हमने जो है वो यूज किया, उसका नाम था 301 रीडायरेक्ट। इसको हम किसी दिन यूज करेंगे। 301 रीडायरेक्ट का जो प्लगइन है, यहाँ से आप लिख दो, इसके आगे लिख देते हैं हम प्लगइन वर्डप्रेस। अच्छा, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अपने यूजर्स को जो हमारे इस पुराने यूआरएल के ऊपर आ रहे थे, स्लैश ब्लॉग, इस यूआरएल के ऊपर आ रहे थे, उनको ये एरर शो हो रहा है, हमने इसको अपडेट्स के ऊपर ले गए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनको किसी और यूआरएल के ऊपर नेविगेट करवा देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये ब्लॉग का पेज है, तो ब्लॉग के पेज की अब उसको आईडी लग चुकी है, पेज अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1021। क्यों? क्योंकि हमने इसका परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया था। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, इसको दोबारा से पोस्ट नेम के ऊपर लेके आ रहा हूं। यहां से मैंने पोस्ट नेम सेलेक्ट किया और सेव चेंजेस कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट का, ये 301 का जो प्लगइन है, आप लोग इसको जाके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन के अंदर। मैं कर ही देता हूं, चलें। थ्री जीरो वन
रिडायरेक्ट्स, ठीक है। यही आई थिंक सो। तो इसको मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पे और एक्टिवेट कर लिया। कॉन्फ़िगर रीडायरेक्ट्स, ये देखें मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। वो कहता है SEO ग्रोथ डॉट टूल्स। मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूं, मैं यहाँ पे एक और पेज क्रिएट कर रहा हूं, उसका नाम मैंने रख दिया अपडेट्स और उसको मैंने पब्लिश कर दिया, ठीक है। मैं अपनी सेटिंग्स के अंदर, रीडिंग सेटिंग्स के अंदर आ रहा हूं। ये मेरी मेन वेबसाइट है SEO ग्रोथ डॉट टूल्स, और SEO ग्रोथ डॉट टूल्स की वेबसाइट की जितनी भी पोस्टें हैं वो अभी फिलहाल शो होती हैं ब्लॉग पेज पे। तो लोग आ रहे हैं ब्लॉग पेज के ऊपर, ब्लॉग पेज पे आते हैं तो उनको ये iPhone 7, ठीक है, और ये सारी की सारी पोस्टें नजर आ जाती हैं। लेकिन मैं अपनी रीडिंग सेटिंग्स के अंदर से जाके ये पोस्ट पेज जो है वो चेंज करके मैं कर देता हूँ कि जी पोस्ट पेज होगा, रिफ्रेश नहीं किया इसको, पेज बन गया था। पेज पे जाते हैं दोबारा से कि पेज क्रिएट हो गया या नहीं। अपडेट्स का पेज ड्राफ्ट में है, इसको पब्लिश करना है, सॉरी। इसको हमने यहां से पब्लिश कर दिया। अच्छा जी, ये अपडेट्स का पेज जो है वो पब्लिश हो गया। अब मैं सेटिंग्स के अंदर जाके वो सेटिंग्स जो थी वो चेंज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब वो सारी की सारी जो पोस्टें हैं वो अपडेट्स के पेज पे शो होंगी, ब्लॉग के पेज पे शो नहीं होंगी। तो यहाँ से मैंने अपडेट सेलेक्ट कर लिया कि पोस्ट पेज अब मेरा अपडेट्स है। सेव चेंजेस कर दी। तो अब जब लोग आएंगे ना मेरी उन पोस्टों को देखने की, यार मैं ब्लॉग के पेज पे चलता हूँ उनके, तो ब्लॉग के पेज के ऊपर मुझे iPhone 7 और ये सारा कुछ नजर आ जाएगा। तो अब उनको ब्लॉग पेज नजर आएगा बिल्कुल खाली। अब मैं ये चाहता हूं कि जो लोग ब्लॉग के पेज के ऊपर आए वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए अपडेट्स के पेज के ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ से पेजेस के अंदर जाके जो अपडेट्स वाला पेज है उसका मैं URL कॉपी कर लेता हूँ। ये अपडेट्स वाला पेज है, इसको मैंने व्यू किया, ये इसका URL है, ये कॉपी कर लिया जिसके ऊपर ये अब सारी पोस्टें जो है वो शो हो रही हैं। और मैं आ गया अपने रीडायरेक्ट्स के अंदर। अच्छा, रीडायरेक्ट्स कहाँ पे मिलेंगे अब मुझे, ये सेटिंग्स के अंदर एक नया ऑप्शन क्रिएट हो गया है रीडायरेक्ट्स का, 301 रीडायरेक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि https/tools और इसके बाद ब्लॉग, कि ये जो ब्लॉग वाला पेज है इसको रीडायरेक्ट करना है तुमने इस URL के ऊपर, और वो मैंने URL दे दिया अपडेट्स वाला और मैंने इसको कर दिया सेव। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि ये अब ये URL तो लग गया, मतलब हो चुका है ये सारे का सारा, कि अब जो लोग ब्लॉग वाले पेज पे आएंगे स्लैश ब्लॉग वाले पेज पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट्स वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये इफेक्ट इसका जो है वो 1-2 दिन बाद शुरू होता है, और मतलब ये है कि ये जो रिडायरेक्शन है उसको होने में कभी कभार हमें 1-2 दिन लग भी जाते हैं। चेक कर लेते हैं, ये ब्लॉग वाले पेज पे चलते हैं अब। तो देखें, अब मुझे उसने अपडेट्स वाले URL के ऊपर उसी वक्त रीडायरेक्ट कर दिया। यहां तक अगर किसी को मसला है तो बता दे। अब वो पहले ब्लॉग वाला पेज खाली जो नजर आता था अब वो खाली नजर नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट्स वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा और ये चीजें यहां तक हमारी क्लियर हो जाएगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है रीडायरेक्शन के अंदर तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। समझ में आ गई है मैं उस वक्त से परमालिंक्स परमालिंक्स की बात क्यों कर रहा था, कि बजाय इसके कि यूजर को एक खाली पेज नजर आए हम उसको क्या करते हैं कि रीडायरेक्शन के जरिए अपनी पेज का, अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है वो ठीक रखने के लिए हम रीडायरेक्ट्स का जो प्लगइन है वो यूज कर ले। किसी को कोई मसला है यहां तक, कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में तो वो बता दें। हमारा जो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने इसकी तकरीबन सारी चीजें पढ़ ली हैं। बाकी जब हमने जब कस्टमाइजेशन करनी है
तो उसके अंदर ये चीजें जो है वो हमारी और ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस होती जाएंगी। साथ साथ फाइबर को आप लोगों ने भूलना नहीं है, फाइबर के ऊपर आप लोगों ने अपनी किक्स अपडेट करते जाना है। अगले जो अब फ्राइडे आएगा, उस फ्राइडे को आप लोगों ने ये जो है मैंने आप लोगों की 3 से 4 किक्स चेक कर रही है। ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये असल में आप लोगों की स्किल लेवल इंक्रीज हो रहा है। आप लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप लोग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को यूज करके आप मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं। ठीक है सर, कितने पेजेस को रीडायरेक्ट कर सकते हैं? जितने को चाहें कर सकते हैं यार, कोई मसला नहीं है, जितने चाहें। vidshazeb.cachebiz.com मैं देख लेता हूँ जी, vidshazeb स्पेलिंग देख लीजिएगा। biz.com अबाउट अस लिखा है जी इन्होंने, और उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल कैरियर, वेरी गुड। अभी और इंशाल्लाह चीजें जो है ना डिजाइनिंग के अंदर और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। ये तो हम अभी कह लेंगे फ्री वाला थीम यूज कर रहे हैं, कल को इंशाल्लाह कोई डेमो वाला थीम इंस्टॉल करेंगे, उसका डेमो इंपोर्ट करेंगे, और देन इंशाल्लाह और चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है, वेरी गुड। ये अबाउट अस, फीडबैक आ गया आपका, ठीक है, गुड। और ये है जी ब्लॉग, ये सेम ऐसे ही होगी जी, डोमेन टू डोमेन रीडायरेक्शन भी आपने ऐसे ही करनी है। जैसे ये रीडायरेक्ट का पेज है, किधर गया, आप चाहते हैं कि यहां से मैं ऐड न्यू रीडायरेक्ट रूल, नया रूल लिखता हूँ, SEO ग्रोथ डॉट टूल्स, यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, ठीक है, यहाँ पे वो नई डोमेन डाल दें, तो SEO ग्रोथ डॉट टूल्स पे जो भी आएगा बंदा, वो किसी फलां URL के ऊपर, जो नई डोमेन का URL है उसके ऊपर सेव कर दें उसको, बस इतना सा काम है। तो डोमेन टू डोमेन रिडायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, बेहतरीन है जी शाहजेब, शाबाश, अच्छा काम किया आपने। इंशाल्लाह कल कल से और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी आपके इस काम के अंदर, आपके स्किल लेवल के अंदर, आपके डिजाइनिंग के अंदर, कलर स्कीम के अंदर, क्योंकि कल हम इंशाल्लाह WP ओशन के ऊपर काम करेंगे, और इसी तरह के और बहुत सारे थीम्स हैं वर्डप्रेस के, एस्ट्रा है, और इनके ऊपर हम कल से इंशाल्लाह काम करने जा रहे हैं और कस्टमाइजेशन उनकी करने जा रहे हैं। तो कोई भी वेबसाइट पकड़ लेंगे और उसकी कॉपी करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो वो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, मैंने देख लिया शाज़िब, वेरी गुड। और कोई सवाल है किसी का सर, प्लीज एक दफा laborpk.com देख लें, लेबर देख लें जी, उसको क्या मसला है, पहले भी देखी हुई है। हेडर का इमेज अपलोड होने के बाद क्लियर शो नहीं होता, क्यों नहीं शो होता भाई, क्या मसला है, कोई मसला होगा आपके इमेज के साइज के अंदर, कोई मसला होगा। आप लोगों को मैंने बताया था, जब भी आप वर्डप्रेस के ऊपर कोई पिक्चर अपलोड करते हो ना, तो वो आपको उसका रिकमेंडेड साइज बताता है, तो वो रिकमेंडेड साइज जो भी है आपका, आप उस रिकमेंडेड साइज के अंदर उसको क्रिएट करेंगे तो नहीं आएगा। ये तो आपने असल में बनाया ही ऐसे है, ये पिक्सेलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो लाइन लाइने सी लाइने लाइने से लगी, आई थिंक सो ये आपने डिजाइनिंग के अंदर ही कुछ ऐसा किया है। सर लोकल होस्ट का सी पैनल PHP में एडमिन होता है? नहीं, लोकल होस्ट का सी पैनल आपकी अपनी डायरेक्टरी होती है सी, ये जो आप जाते हो यहाँ पे, आप लोगों को दिस PC और ये लोकल डिस्क सी, फिर उसके बाद जैप, और ये HT डॉक्स,
ये एचटी डॉक्स के अंदर आपकी कोर फाइल्स पड़ी होती हैं, यही आपका सी पैनल है लोकल होस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्डप्रेस का फोल्डर है जहाँ पे, तो ये देखें ये डब्ल्यूपी कंटेंट जो मैंने आपको वहाँ पे लाइव सर्वर पे दिखाई थी, वो यहाँ पे आप लोगों को डब्ल्यूपी कंटेंट जो है वो लोकल होस्ट में मिल रहा है। इसमें प्लगइन्स का फोल्डर जैसे उसमें था वैसे इसमें, जैसे उसमें थीम का फोल्डर था वैसे इसमें है। फिर प्लग उसके बाद आपके अपलोड्स हैं, तो अपलोड्स में आपके 2028 मंथ में जो भी पिक्चर अपलोड हुई थी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सारे का सारा सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को सी पैनल का मिल जाएगा। हाँ जी, ये आपकी डिजाइनिंग में ही मसला है, इसको फिक्स करो। ये वर्डप्रेस का कोई इशू नहीं है, वर्डप्रेस ने ठीक अपलोड किया। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कल को इंशाल्लाह हम कोई वेबसाइट देखेंगे जिसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमारी और चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।